अच्छी बात तो यह है कि इस बिल का स्वागत किया गया है और हेतु साफ है कि जो भी कुछ कमियां सिस्टम में हैं उसको दूर करने के लिए एक स्ट्रिंजेंट मेजर्स यानी पुनिटिव मेजर्स ये एक एक्ट के माध्यम से ही आ सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव चीज़ें भी होती हैं कि जिससे ना हो, लेकिन होने के बाद अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान होगा तो एक भय बैठेगा, तब उसमें से चीजें निकलती हैं। जिस किसी ने किसी लाभ के लिए किसी अपने डिजाइन ऐसा उसने बनाया कि उसको उसका कोई को लाभ हो रहा है, नेगलिजेंसी के कारण से अगर होता है उसको अगर कहेंगे, नेगलिजेंसी के तो और बहुत से एक्ट्स हैं हमारे पास, सीआरपीसी है, बाकी सब है, नेगलिजेंसी का तो कौन से पार्ट पर नेगलिजेंसी जिसने की उसके अलग से एक्ट बने हुए हैं, धाराएं हैं। ये तो पर्टिकुलरली इस एक समस्या को हल करने के लिए कि जो नकल होती है उस नकल में कौन कौन से लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब जिसने कोई एक छोटी पर्ची ला के नकल की है गलती तो उसकी भी है। यूनिवर्सिटीज का जहां तक विषय है, देखिए ऑटोनोमस बॉडीज अपने आप में ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज जो कुल मिला करके कोई किसी प्रकार का कोई फैसला अपना कर सकते हैं, पावर टू अपॉइंट है, पावर टू फ्रेम रेगुलेशन है, पावर टू मेक डिसीजन इन इटसेल्फ है। ऑटोनोमी तो बहुत चीजों की होती है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में भी बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो ऑटोनोमी है उनको, जैसे मानो जीएमडीए है, एफएमडीए है, या आज हमने पंचकुला की जो मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है वो भी अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है। हमारे यहाँ एचएसबीपी वो भी ऑटोनोमस बॉडी है, एचएसआईडीसी वो भी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इनके ऊपर लॉ ऑफ द लैंड नहीं लगता, ऐसा नहीं है। आखिर यूनिवर्सिटी में भी कोई एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंटमेंट्स के नाते से गवर्नमेंट भी कई बार एग्जाम उनको दे देती है, जैसे हम कोई एचएसएससी को देते हैं, कोई मानो एचपीएससी को देते हैं, कल को कोई एग्जाम उन्होंने यूनिवर्सिटी को दे दिया, तो यूनिवर्सिटी भी अगर वहाँ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर भी ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो लॉ ऑफ द लैंड में हर एक जो भी इंस्टीट्यूशन इस प्रकार के एग्जाम कराएगी और वहाँ इस प्रकार के नकल के पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर ये लागू होगा, उनकी ऑटोनॉमी के अंदर हमने कहीं भी दखलंदाजी नहीं की है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो चली है, उसको पहले हमने एक निश्चित तारीख तक तय किया था, कोविड के कारण से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उसको आगे बढ़ाया गया है और अभी भी जिस दिन उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, निकलने के बाद एक मौका सबको फिर दिया जाएगा ताकि कल को ये कोई ना कहे कि एडवर्टाइजमेंट होने के बाद मुझे भरना था, तो ये तो जब तक एडवर्टाइजमेंट निकलती नहीं है तब तक वो लगातार रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी, उसको टाइम एक बार बढ़ाओ दो बार, रजिस्ट्रेशन का टाइम है और अंतिम रजिस्ट्रेशन का टाइम तब दिया जाएगा जब उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी।